प्रयागराज से दुर्ग आ रही यात्री बस पेंड्रा थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई। हादसा यात्री बस और ट्रक की टक्कर से हुआ। हादसे में बस चालक सहित कुछ अन्य लोगों को चोटें आई हैं। बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। रायपुर की उरला थाना पुलिस ने शादी करने का झांसा देकर 3 साल तक युवती का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को प्रार्थिया की शिकायत के चंद घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मेडिकल प्रोफेशन में हैं। मेडिकल इक्विपमेंट की मार्केटिंग सेलिंग का काम करते हैं। पीड़िता आरोपी की जूनियर है। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता को झांसे में रखा और दैहिक शोषण करता रहा। राजनांदगांव जिले की पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी करने वाले चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। शातिर चोर गांवों के ऐसे घरों को निशाना बनाते थे जहां कोई नहीं होता था। इसके लिए पहले रेकी करते। पुलिस ने इस मामले में खरीदार सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 तोला सोना जब्त किया है। सूरजपुर जिले की भटगांव पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर परशुरामपुर थाना रामानुज नगर निवासी नीलेश पुरी को नशीली दवा एविल इंजेक्शन 250 नग एवं ब्रोफेनोफिन इंजेक्शन 250 नग कुल 500 नग नशीली इंजेक्शन जब्त किए हैं, जिसकी बाजारू कीमत करीब 2,50,000 रुपए है। रायपुर की आजाद चौक पुलिस ने होटल राधे इन में दबिश देकर 10 जुआरियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 4 लाख रुपए नकद रकम जब्त किया है। आजाद चौक थाना पुलिस ने होटल राधे इन में जुआ खेल रहे आशीष अग्रवाल, देव कुमार, योगेश अग्रवाल, प्रेमचंद, अशोक तिवारी, नरेश नारंग, संतोष शुक्ला, मनीष मित्तर, राजीव मलंग और विजय गुरका को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव जिले में रेत माफिया द्वारा प्रतिबंधित अवधि में लगातार यहां से सीमावर्ती राज्य ओडिशा रेत की अवैध तस्करी के विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने हरियाणा में हुए अभूतपूर्व ट्रैक्टर ट्राली की तर्ज पर ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रेत की अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने की चेतावनी दी। कांकेर सहित 3 जिले के 14 ग्रामीणों को बेंगलुरु में बंधक बनाकर काम लिया जा रहा है, जिसमें 9 नाबालिग शामिल थे, जिसे बाल संरक्षण के 6 सदस्यों की रेस्क्यू टीम ने सभी को बाहर निकाला, कलेक्टर के समक्ष पेश किया, जहां कलेक्टर ने सभी को उनकी मजदूरी राशि देकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया। कांकेर जिले के चरामा की एक दुकान में राखी खरीदने पहुंचे युवक युवती बंटी बम्बली की तरह दुकान की सेल्स गर्ल को चकमा देकर सामान व अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी ले उड़े। सेल्स गर्ल को इसकी जानकारी तब हुई जब दूसरा ग्राहक ज्वेलरी खरीदने पहुंचा और उस जगह से उक्त ज्वेलरी गायब थी। गरियाबंद जिले के पलारी पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम कुसमी में शराब के नशे में जीजा रंजीत सिंह और साला अनिल भारती के बीच मोटरसाइकिल के वाइजर टूट जाने के नाम पर मारपीट हो गई। घायल जीजा रंजीत की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी साले अनिल भारती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा जिले में सीएमएस कंपनी के कस्टोडियन कर्मचारी शराब दुकानों के संकलित राशि 32,81,600 रुपए गबन कर फरार हो गया था। मामले में नैला पुलिस ने आरोपी रंजीत साहू की पत्तासाजी कर गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं प्रकरण में शामिल एक आरोपी विश्वनाथ यादव को पूर्व में थाना चापा के प्रकरण में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बलौदा बाजार कलेक्टर रंजत बंसल के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा खाद दुकानों में लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है, जिसके तहत शुक्रवार को विकासखंड बिलाईगढ़ अंतर्गत भंटागांव नगर के 3 खाद दुकानें सील की गई हैं। भिलाई राजनांदगांव बाईपास रोड स्थित टोल प्लाजा के पास मनोज राजपूत बिल्डर 50 एकड़ से अधिक बड़ी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के लिए बड़ा गेट के साथ शासकीय जमीन पर कब्जा कर वहां बाउंड्री वॉल बना दिया था। इसे जिला प्रशासन व निगम प्रशासन के अमले ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ध्वस्त कर दिया। भिलाई पावर हाउस में बीती देर रात एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को
छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी तेजा के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया। रायगढ़ जिले की चकदर नगर पुलिस ने चिटफंड कंपनी साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के मुख्य डायरेक्टर और चिटफंड मामले के आरोपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल को जिला जेल कटनी मध्य प्रदेश में औपचारिक गिरफ्तारी कर विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में आरोपी को 18 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर लिया है। जगदलपुर में शुक्रवार को एक महिला निजी काम से झंकार चौक जा रही थी। उससे सड़क पर एक बैग मिला जिसे खोलने पर उसके अंदर से सोने का झुमका मिला। महिला उस आभूषण को लेकर सीधे कोतवाली थाना पहुंची और थाना प्रभारी को सौंप दिया। अचानक जिसका झुमका था वो भी आ पहुंची, जहां थाना प्रभारी ने जिस महिला का सामान गुम था उसे लौटा दिया। महासमुंद जिला पुलिस ने चांदी के बाद सोने की अवैध तस्करी के बड़े मामले में कार्रवाई की। मारुति सेलोरियो में भारी मात्रा में सोने की तस्करी कर रहा अमृतसर पंजाब के निवासी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने के विभिन्न प्रकार के आभूषण, 17,04,000 रुपए का माल बरामद किया है।